नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप गंभीर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय श्रीराम। जबरदस्त सर, जबरदस्त। ना दी ओनली थिंग इज दैट यहाँ पर हर जगह पर माहौल है, माशाल्लाह सेलिब्रेशन का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है, वहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ लोग उल्टा सीधा काम करते ही रहते हैं। मतलब क्यों कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। चलो, इट्स अ डेमोक्रेसी, यू कैन डू इट। अब देखिए 22 जनवरी को यानी कल इतनी खूबसूरत, इतना गर्वान्वित करने वाली प्राण प्रतिष्ठा पूजा हुई। प्रदीप जी एग्जैक्टली नरेंद्र मोदी जी थे उसमें, चार पांच लोग और भी थे, आनंदीबेन मेहता भी थी, बाकी सब लोग भी थे। और तो और छोड़िए, कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था दीपक केदार साहब के साथ, उन्होंने कहा था कि दलित कहाँ थे, दलित भी थे वहाँ पे। एक अलग से बहुत लोगों को इन्वाइट किया गया था, दलित आदिवासी, यहाँ तक के शबरी के वंशजों को भी इन्वाइट किया गया था, वो भी वहाँ थे। तो ये कहना गलत है कि ये सिर्फ सवर्णों का ही फंक्शन था। हाँ, इतना ज़रूर है ब्राह्मणों की तादाद ज़रा ज़्यादा थी, मानता हूँ, सेलिब्रिटीज की तादाद ज़रा ज़्यादा थी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कुछ और। प्रदीप जी, पूना में, पुणे, FTII पुणे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, व्हाट इज गोइंग ऑन वहां पर? इतना बड़ा एक बैनर लगा दिया, रिमेम्बरिंग बाबरी। अरे बाबरी मस्जिद की जो आप बोलते हैं ना शहादत हुई थी, वो तो 6 दिसंबर को हुई थी, अभी कल लगाने का क्या मतलब हुआ? तो उसके ऊपर लोग बिगड़ गए, हाथापाई हुई, जिन लोगों ने लगाया उनकी बड़ी अच्छे तरीके से सेवा भी हुई। ये क्या मतलब क्या है प्रदीप जी? मतलब व्हाट इज, आई मीन व्हाट इज ऑब्सेशन विद दिस? Somebody from Samarkand, Samarkand yes. से कोई invader आया था जी, and he had done some things over here. Yes. Three masjids was constructed by Babur. Yes. Babur. Yes. And are we so the whole nation fascinated about this? Is this the wealth of India? Is this the creation that India has done it? And why are you so fascinated about it? Can we have that please? I think we've got the footage and everything. Yes, I don't know why they're not. कोई Samarkand से आता है, देश के बाहर से आता है, या कुछ कुछ establish करके चला जाता है, and we are more concerned about that. Yes. Then more than the cultural heritage of the country, that's or right. country के जो spiritual heritage है, उसको हम लोग छोड़ के, जी. we are talking about some invader from Samarkand who has come here. It's not even this Pakistan. It's not Afghanistan. जी. It's in Uzbekistan, and they are not bothered. They are not bothered about this at all. That's right. But here some people are bothered about that. They are more bothered about that. I mean, yes. this is the left liberal environment which just cannot see. और रिसर्जेंस इन द इंडियन कैरेक्टर। देखिए साहब, जो राम जन्मभूमि में, देयर यू गो, देयर, कैन वी हैव दैट ऑन फुल फ्रेम? आई वुड लाइक टू सी दैट ऑन फुल फ्रेम प्लीज। कैन वी सी दैट? देयर, रिमेंबर बाबरी। ये देखिए साहब, ये है FTII, फिल्म ट्रेनिंग, क्या है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो भी है वो जी, फिल्म, यस, इट हैज प्रोड्यूस सच लुमिनरीज लाइक जया बच्चन एंड आवर फ्रेंड मिस्टर पंकज पराशर एंड मिस्टर हिरानी एंड मिस्टर शेखर कपूर एंड सो मेनी अदर पीपल देर आर सो मेनी अदर पीपल हू कम फ्रॉम द FTII ना, इंक्लूडिंग ऑफकोर्स मिस्टर अनुपम खेर एंड एवरीबडी एल्स। नाउ माई पॉइंट इज, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? जस्ट टेक अ लुक एट दिस। व्हाई वुड यू वॉन्ट टू डू समथिंग सो डिलिबरेटली प्रोवोकेटिव just to see that you know everybody gets incensed over what you're doing? Matlab kya hai ye Pradeep ji? Are kya lena dena kuch hai nahi, samajh wo, I mean for what are we glorifying Babri? Babri kya hai? What is Babri? Aur Pradeep ji, sabse badi baat yahan par ye hai, ek cheez yaad rakh lijiye, Zahiruddin Babur खुद अयोध्या गया हो या नहीं गया हो अलग बात है, उसका जर्नल जो है मीर बाकी वो तो गया, उसने जो मंदिर था वहां पे उसको ध्वस्त किया, तोड़ा, और उसके बाद बाबरी मस्जिद बनाई गई। और ये किसने कहा? प्रोफेसर के मोहम्मद ने बताया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई वहां पर विष्णु जी की मूर्ति मिली है और उसके नीचे कोई बौद्ध स्तूपा भी था। ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। देयर आर सम पिलर्स व्हिच हैव बीन फाउंड, बट देयर वाज अ टेंपल बिलो इट, देयर वाज अ place of religious worship other than Islam below the Babri Masjid. That's all that matters. And now the Supreme Court has ruled.
What are you trying to do? Supreme Court has ruled and bar bar ye. Are the people of Uzbekistan even aware of these things? They are not bothered about this. Care. Those Muslims out there are not bothered. Those people, sir, are not even bothered about the Afghanistan. कोई लेना देना नहीं ना प्रदीप जी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है प्रदीप जी बाबर की मजार जो है बाबर की कब्र जो है वो अफगानिस्तान में ठीक है साहब the Afghans are not bothered about Babur the Uzbeks are not bothered about Babur the people of Samarkand don't even know who Babur was और आप जो हैं यहाँ पे झंडा लिए खड़े हैं यहाँ पे this reminds me if you remember of the खिलाफत movement the Ali brothers and the Khilafat yes, movement yes, yes, अरे खलीफा चेंज हो गया Kemal Ataturk has already taken over Turkey and here we are talking about restoration of the caliphate in Turkey and the Turks are not even aware कि आप लोग क्या कर रहे हैं they know क्या चल रहा है उनको there's a surprise for them that जो चीज हम भूल गए कोई वहाँ बैठे कुछ लोग याद कर रहे हैं उसके बारे में I mean this is so ridiculous I don't even know where to begin and where to end but this is part of that particular universe which always try to show Hindus down not to put too much of a gloss on it the fact is koi bhi cheez agar hindu dharm ke sath agar wo sambandhit hai to wo kharabi hogi sahab in logon ke liye yeah this is the kind of universe this is the kind of environment which has been created very unfortunately by the nehruvian way of educating people exactly ke bhai that's it you can't do it ke aapko sach nahi bolna hai baaki sab theek hai sach mat boliye अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि यार कुछ और कहिए ये सच है जो सच है देखिए साहब ट्रूथ हैज द ग्रेटेस्ट एनेस्थेटाइजिंग क्वालिटी दैट देयर इज द ट्रूथ प्योरिफाइज टिल नाउ वी हैव नॉट बीन टेलिंग द ट्रूथ यू हैव टू टेल द ट्रूथ दिस इज द ट्रूथ दैट्स इट और अब तो राम मंदिर बन गया जितने मर्जी पोस्टर निकाल लो जितने मर्जी कुछ भी निकाल लो कुछ और करोगे जैसा मीरा रोड में अभी बुलडोजर पहुंच जाएंगे साहब आगे आपकी मर्जी है And there's a possibility FTI might even be closed down just because of this incident. But I don't think these people who had done this doesn't look to be FTI students. ये कौन? They seem to be idiots. ये जो चेहरे से तो कोई student लग नहीं रहा है. None of them seem to be. गधे. पता नहीं कौन आए. So naturally all the guys from the Vishwa Hindu Parishad and the BJP came inside and they decided to burn their banner. That's it. And why not? अरे प्राण प्रतिष्ठा पूजा जिस दिन हो रही है उस दिन तुम ये तंबू में बंबू गाड़ने की कोशिश कर रहे हो तो उसी बंबू के साथ तुम्हारी हालत खराब होगी दैट्स इट और ये कॉलेज में क्यों जा रहे हैं ये कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि इस प्रकार के कंट्रोवर्सीज में पार्ट लेने के लिए कर रहे हैं देन दे शुड बिकम देन दे शुड टेक पार्ट देन कम दे शुड जॉइन मिस्टर ओवैसी यस जॉइन ओवैसी और जॉइन सम टेरर ग्रुप्स यस कोई स्लीपर सेल ज्वाइन करो जो कुछ करना है जैसे ओवैसी साहब शॉट डाउन जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब की कल स्टेटमेंट आई है कि मैं अपने बाप के इंतकाल पे इतना नहीं रोया जितना मैं आज कल रोया हूं प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर उज़्बेकिस्तान समरखंड से कोई आया और उसके लिए इतना रोना इतना रोया है वो तो उनको भी भेज दो वहीं पे भाई साहब इफ द उज़्बेक्स accepted by the way Uzbeks don't know these guys the existence of these people the Uzbeks love Mr. Modi by the way ye bhi bata de aapko in any event at the moment with us our old friend from the NCP Ajit Dada group Mr. Mukesh Gandhi sahab namaskar Mukesh Gandhi sahab would be very very happy today he would be a very very happy yeah, man yeah so nice जबरदस्त सर जबरदस्त प्राण प्रतिष्ठा हो गई मतलब मजा आ गया बिल्कुल क्या बताऊं आपको आपने देखी कि नहीं मैं तो पूरा उस दिन पूरा टीवी के सामने ही बैठा रहा था घर पे और मैंने पूरी प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देखा और मोदी ही राम है राम ही मोदी है ऐसी लोगों के हृदय में भावना आ गई उसको भी मैं प्रणाम करता हूं क्या बात है सर क्या बात है लेकिन अब कई लोगों का ये कहना है चलो अब तो राम मंदिर बन गया उद्घाटन भी हो गया और आज तो न जाने कितने लाखों की भीड़ वहां पहुंच गई दर्शन के लिए अब तो क्राउड को कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल हो रहा है अब ये कहा जा रहा है कि चलिए चलिए अब लोगों का काम कीजिए अब देश का काम कीजिए इस विषय के बारे में आप क्या कहेंगे मुकेश गांधी साहब बताइए मैं भी तो ये कहना चाहता हूं कि राम भजन में बरसों बिताए किया ना राम का काम अरे राम राज्य लाने को अभी कर लो प्रभु का काम राम राज्य को लाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा
एकनिष्ठ बनना पड़ेगा जी। और के जो हमारे धर्म के विद्रोही है उनके सामने हमको मक्कमता से मजबूती से आगे आना होगा। और आज की नई युवा पीढ़ी को धर्म के विचारों के बारे में संशोधन करके उनका आचरण माने एक विचार और आचरण ये दोनों चीजों को आज की युवा पीढ़ी को भी लेना चाहिए। जस्ट दे आर रीडिंग द बुक्स ऑन हिंदू माइथोलॉजी इज नॉट इनफ बट दे हैव टू रीड द ओरिजिनल ग्रंथ ऑफ रामायण महाभारत भगवद गीता लाइक दैट एंड दे हैव टू पुट समथिंग इन प्रैक्टिस लाइक मोदी जी इन देयर लाइफ इन अवर लाइफ एब्सोल्युटली। नाउ द अदर थिंग आल्सो इज मुकेश गांधी साहब व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज द अदर थिंग द अदर व्यू इज दैट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। इंडिया हैज नाउ वाइप्ड ऑफ द शेम ऑफ 500 इयर्स। 496 साल पहले राम मंदिर को ध्वस्त करके यहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई। 1526 में 21 नवंबर को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई जब बाबर यहां पर आया इब्राहिम लोदी को हराया। उसके दो साल के बाद 1528 में मीर बाकी उनका जो जर्नल था वो यहां पर आया और उसने अयोध्या में जो राम मंदिर था उसको तोड़ा ध्वस्त किया और उसके ऊपर मस्जिद बनाई। और वो क्यों बनाई गई सीधी साधी बात है अगर आप अलग अलग मुस्लिम स्कॉलर्स को देखें उस वक्त के जो स्कॉलर्स थे उनको अगर आप पढ़ें तो वो ये था कि जो लोकल पॉपुलेशन है यहाँ की के जो स्थानीय लोग हैं उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए उनको बेइज्जत करने के लिए टू मेक देम फील स्मॉल टू लेट देम नो दैट वी आर अ सुपीरियर रेस एंड वी विल नॉट लेट यू रेज योर हेड। अब बाबर भी चले गए औरंगजेब भी चले गए सिकंदर लोदी भी खत्म हो गए अलाउद्दीन खिलजी भी खत्म हो गए और पर नेहरू जी आ गए और श्री राम का मंदिर आ गया। सर अब वो सब छोड़ो श्री राम का मंदिर आ गया श्री राम का मंदिर एकदम विराजमान हो गया सर जबरदस्त है। इस विषय के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए राम मंदिर की कल मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो एक अलौकिक घटना है जी। रामम भजेत रामम यजेत हमको राम का भजन करते करते हुए राम बनना है और राम ही हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए क्योंकि राम ये सिर्फ एक भगवान थे एक ऐतिहासिक पात्र थे इतना सोचना है और राम हमारे वैयक्तिक जीवन कौटुंबिक जीवन सामाजिक जीवन राजकीय जीवन हर क्षेत्र में वो प्रेरणा देने वाले राम है। और कल जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो हुआ है उसकी अलौकिकता और उसकी एक भव्यता कल देख करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे विश्व के अंदर सारा माहौल राममय हो गया था। राम 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 राम। पर एक बात है कि एक तरफ इतना अच्छा माहौल बन गया पर हमारे यहाँ कुछ महाराष्ट्र में मुंबई के कुछ मराठी पत्रकार है जो आज भी कांग्रेस की पेंशन खा रहे हैं वो लोग इनके ऊपर टीका करते हैं इनके ऊपर अलग अलग बात करते हैं कि मोदी जी अकेले ही क्यों गए साथ में इनको क्यों नहीं लाए उनको क्यों नहीं लाए। अरे मोदी जी ने जिस तरह से ये कार्य को उठाया 11 दिन का उपवास करके जो व्रत नियम से यम नियम से जो पूरा कार्य किया और बाद में जो गिरी जी ने जो उनके हमारे संत ने जो हमारे जो उनको आचमनी देकर के प्रसाद दिया और उनका उपवास का निवारण कराया तो वो गोविंद गिरी जी महाराज ने कितना बड़ा कार्य किया। अब उन्होंने उनको शिवाजी महाराज के साथ में कंपैरिजन दी जी। और कोई भी व्यक्ति के विशेष कार्य को किसी की उपमा देने से वो व्यक्ति वो नहीं बन जाती है पर उपमा होती है। जैसे स्त्री को कहते हैं सुंदर स्त्री को कि तुम चांद सी लगती हो तो इसका मतलब नहीं है कि वो चांद बन गई वो चांदी है जी। चांद सी लगती हो वैसे इन्होंने हमारे गिरिजी महाराज ने सिर्फ उनको इतना ही कहा कि इन्हों जैसे शिवाजी महाराज ने उपवास किया था और जैसे उन्होंने कार्य किया था ऐसा ही एक कार्य एक राजर्षि बनकर के नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तब आज उद्धव ठाकरे भी उसके सामने टीका कर रहा है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मराठी पत्रकार भी टीका कर रहे हैं वहां बंगाल के पत्रकार भी जर्नलिस्ट भी आकर के टीवी पे और यूट्यूब के ऊपर उनकी टीका कर रहे हैं उनको कोई हक नहीं है।
मोदी जी ना होते। सर 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 वो टीका करने दो, उनकी हक है। क्या है कि हिंदुस्तान में आजादी है, लेकिन जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, सीधी साधी बात है साहब, अगर यहां पर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, कोई और होता तो मुझे नहीं लगता राम मंदिर बनता। मैं तो सीधी साधी बात बोल रहा हूँ साहब, बहुत पहले से बोल रहा हूँ ये। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी दैट टुडे वी हैव द राम मंदिर एंड 500 इयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन हैव बीन वाइप्ड आउट। एंड आई एम सेइंग सो ओपनली, आई हैव सेड इट बिफोर, आई एम सेइंग इट अगेन। And Mr. Modi has already supported you. इतिहास में अपना नाम मोदी साहब ने ऑलरेडी लिखा है। कुछ लोग बोलना ना बोलना कि बाबर के जमाने में ये हो गया था ध्वस्त, और आज 500 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने पुनर्निर्माण उनको कर दिया। और पुनर्निर्माण, और मोदी साहब वहां पर रुके नहीं। कल मोदी साहब ने जो कहा, मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर, मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर समर्थ सक्षम भव्य दिव्य विकसित भारत का निर्माण, यानी ये एक बहुत बड़ा चीज, मतलब कि ये तो हो गया। अब इसके सामने, इसके आगे 1000 साल तक जिस प्रकार से लोग इस आज के दिन को याद करेंगे, और हम कैसे भारत को विकसित बनाएंगे। तो और बात करते करते उन्होंने प्रभु राम से माफी मांगी। उन्होंने कहा आई एम सॉरी, हम सॉरी फॉर द डिले, आपके मंदिर बनाने में जो डिले हुआ है, मैं उससे क्षमा मांगता हूं। तो ये दो चीज मोदी, तो आप इसको कैसे देखते हो? क्या कांग्रेस पे आलोचना कर रहा था? इंडिपेंडेंस के बाद अगर मोदी जी कर सकते थे तो कांग्रेस रूल फॉर मेनी इयर्स, दे कुड हैव डन इट। हाउ डू यू सी इट गांधी साहब? देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी ने बहुत एक सही वाक्य का उपयोग किया था उनके वक्तव्य में। कहा था उन्होंने कि अब काल चक्र बदल रहा है जी। आज ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में एक काल चक्र बदल रहा है, और भारत में भव्यता, दिव्यता, समता, उनका पुनर्जागरण होकर के भारत देश का विकास होने वाला है। यह बात कल मोदी जी के प्रवचन के अंदर, उनके उनका भाषण में नहीं कहूंगा, भाषण तो नेता करते हैं, ये प्रवचन करते हैं, ये संत से भी अधिक व्यक्ति है। सारे संत जिसको प्रणाम करते हैं, ये ऐसे महान पुरुष है, महान ऋषि है, राजर्षि है, इनको मैं प्रणाम करता हूं। और मैं एक बात बताऊं राजीव जी, कि वास्तव में क्या है कि हमारे हिंदू जो लोग हैं ना, वो तीन गुटों में बटे हुए हैं। एक हिंदू है वो उग्रवादी है, जेहादी टाइप का है, कि हम कुछ भी करेंगे, अगर ये मीरा भाईंदर में तूफान किया तो बजरंग दल ने जाके उनकी सोसाइटी में घुस के उनको मारा। आज वैसे वहां पुणे में किया तो वहां भी हमारे बजरंग दल के और वीएचपी के लोग ने जाकर के उनको मारा। और अपना उग्रता दिखाने वाला एक वर्ग है जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है, उसके लिए वो कुछ भी करने मरने के लिए तैयार थे। जो उग्रता उनके अंदर बाला साहब ठाकरे जी ने एक वक्त में डाली हुई थी वो जबरदस्त थी। दूसरा एक वर्ग है जो 80% वो व्यथित हिंदू है, उनको व्यथा है कि हमारे हिंदू धर्म में इतने देवी देवता है, हमारे इतने धर्म ग्रंथ है, हम इतनी महान, हमारी वैदिक परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, इतने संत ऋषि हमारे धर्म में हो गए, फिर भी हम विश्वव्यापक क्यों नहीं बने? हमारे धर्म में के सामने उंगली उठाने वाले लोगों के सामने हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे एक व्यथित हिंदू है। और तीसरा प्रकार का जो हिंदू है वो ऐसा है कि जो भगवान को मानता नहीं, राम को मानता नहीं, कृष्ण को मानता नहीं, वो कहते हैं कि मनुष्य धर्म ही, मनुष्य सेवा ही, जन सेवा ये प्रभु सेवा है। मनुष्य भगवान को वो मानता नहीं है, सिर्फ मानवीय कर्मों को मानता है। पर आज ये राम जन्मभूमि होने के बाद में ये तीसरे वर्ग में भी एक बात पैदा हो गई है कि राम थे सिर्फ ऐतिहासिक पुरुष नहीं, पर राम ये जीवन की शाश्वत प्रेरणा है। यह बात अगर एस्टैब्लिश हुई है तो ये तीसरे वर्गों में भी आज हुई है। ये मोदी जी का कर्तृत्व है और मोदी जी का आशीर्वाद है। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं मुकेश गांधी साहब, पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं उन लोगों ने सबने सेलिब्रेट किया, 50 देशों में इसकी सेलिब्रेशन की। लेकिन वहां का जो लेफ्ट लीनिंग लिबरल मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैनचेस्टर गार्डियन, न्यूयॉर्कर, अल जजीरा, फाइनेंशियल टाइम्स, इन सब लोगों ने ये कहा है, न्यू टेम्पल बिल्ट ओवर रेज्ड मॉस्क, न्यू टेम्पल मोदी, व्हाट
प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी नरेंद्र मोदी बिल्ड्स अ टेंपल ओवर अ डेमोलिश्ड मॉस्क, इस किस्म से। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, मोदी जी के लिए आप ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं क्या? हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी, सो व्हाई डोंट दे यूज द टर्म क्रिश्चियन कैथोलिक क्रिश्चियन नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडन? अरे जो बाइडन साहब रोमन कैथोलिक हैं, ही इज द सेकंड रोमन कैथोलिक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आफ्टर जॉन एफ कैनेडी, एंड बाय द वे द अमेरिकन प्रेसिडेंट एज यू वुड वेरी वेल बी अवेयर टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन वन हैंड एंड द बाइबल इन द अदर। भारत का जो प्रधानमंत्री है, भारत का जो प्रधानमंत्री है सिर्फ संविधान की कसम खाता है, सिर्फ संविधान पे ओथ लेता है, ठीक है साहब? तो ये उनके लिए ये क्यों नहीं कहते द रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडन, ये क्यों इस्तेमाल नहीं करते? जैसे जो प्राइम मिनिस्टर बनता है पाकिस्तान का उसके लिए कहना चाहिए दी एक्सट्रीम इस्लामिस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाई डोंट दे यूज दोस टर्म्स? मुकेश गांधी साहब, राजीव जी आपने इतनी बहुत जबरदस्त बात की है और जो आपने ये जो पूरा थॉट देकर के जो प्रोवोकेशन किया हुआ है इसके लिए पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि ये बात लोगों के अंदर ले जाने का साहस आपकी वाणी में है, आपके मीडिया टीम में है, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात कि ये जो हमारा हिंदू धर्म है और इनके सामने आज पूरे विश्व में लोगों को जबरदस्त आस्था से लोग देख रहे हैं, पर दूसरी ओर जो पेड एजेंसीज हैं, जितना भी आपने जितनी भी जो आपने मीडिया का नाम दिया वो सब पेड है, वो सबको हिंदू धर्म और भारत का विकास हो उनके सामने उनको बहुत पीड़ा होती है, बहुत ईर्ष्या होती है, और उसी के कारण आप देखना कि आगे जाते जाते ये सारे पोस्टिंग करने वाले लोग जो है ना वो और उग्रता से हमारे धर्म के और मोदी जी के ये शाश्वत कार्य से अगेंस्ट में बोलेंगे, और उनकी अभी हमें फिक्र करनी नहीं है क्योंकि नहीं, नहीं, छोटी सी बात सर, सर 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 छोटी सी बात, हाँ मैं आपसे जानना चाहता हूँ बिकॉज आई नो यू, आप हर एक को जानते हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव योर हियर, भले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हों, विश्व हिंदू परिषद के हों, बीजेपी के हों, आरएसएस के हों, बाकी सब लोगों। सर एक छोटी सी बात है, वॉशिंगटन पोस्ट एक बहुत जबरदस्त न्यूज़पेपर हुआ करता था टिल सच टाइम एज बेन ब्रैडली वाज द एडिटर, उसके बाद आज की तारीख में अगर देखा जाए एमान अल ज़वाहिरी जिसको अमेरिकन्स ने ड्रोन स्ट्राइक द्वारा मारा, हु वाज द राइट हैंड मैन ऑफ ओसामा बिन लादेन, वॉशिंगटन पोस्ट हैड कॉल्ड हिम अ फ्रीडम फाइटर, मैं बता दूंगा जी। और तो वो मोदी जी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, भारत के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो तो बड़ी माइल्ड सी चीज है। एक छोटी सी बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक आज की तारीख में जेफ बेजोस है, जेफ बेजोस अमेज़न का मालिक है, अमेज़न का तकरीबन $2 billion to $3 billion का बिजनेस जो है वो इंडिया से जाता है। आपको लगता नहीं है कि हमें उसको भी बोलना चाहिए कि भैया या तो अपने अखबार को संभाल ले या अपना धंधा कहीं और ले जा? व्हाट यू थिंक सर? वाह वाह, अरे आपने बहुत बड़ी बात की है, ये तो अमेज़न का पूरा बहिष्कार हिंदुस्तान में होना चाहिए। ये भी हाँ होना चाहिए। अखबार जो है वो मोदी को गाली देता है, हिंदुओं को गाली देता है, हिंदुस्तान को गाली देता है जी। नहीं नहीं नहीं, अमेज़न में से लेने वाले अभी हर हिंदुओं को, जिस तरह से बीच में जब हिंदू जिहादी मुस्लिम जिहाद की सब बात चली तब लोगों ने कैसे बहिष्कार का कार्यक्रम किया था, ऐसा ही राजीव जी आपकी ये बात की इंफॉर्मेशन के वजूद के ऊपर सारे हिंदुओं को देश के और राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी सबको ये अमेज़न का विरोध करना चाहिए और प्रचंड आंदोलन उसके सामने होना चाहिए, और ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को भी इसके बारे में दिखा करके हमारा पूरा विरोध जो है वो अमेज़न के बारे में करना चाहिए। क्या बात? और दूसरा कि अमेरिका में रहने वाले लोग भी है ना, वो भी इनकी ये जिहादी स्टाइल ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट है ना, उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं जी। अभी हमारे जो पर्टिकुलरली गुजराती समाज के लोग जो रहते हैं ना, उनके घरों में वॉशिंगटन पोस्ट बहुत कम हो गई है जी।
वो नहीं पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि हमेशा वो बायस टाइप के न्यूज ही हमारे अगेंस्ट में ही डालते रहते हैं। मोदी जी का विजय भी हो विक्टरी भी हो तो भी वो बीच में बैलेट पेपर डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जैसे यहाँ के हमारे कुछ कांग्रेस पेड पत्रकार हैं, वो जो करते हैं वही काम वहां के वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह जो आपने बताया मीडिया के लोग करते हैं, तो उनका वजूद भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और राजीव जी आई सैल्यूट यू कि अमेजोन का विरोध प्रचंड रूप से होना चाहिए, ये एक मिशन के नाते से हम लोग को शुरू करना चाहिए। यू नो गांधी साहब, कल मोदी साहब ने जिस प्रकार से साधु संतों से आशीर्वाद, साधु संतों से आशीर्वाद, श्रमिकों का सम्मान, ये पहला प्रधानमंत्री है जो हम देख रहे हैं सिर्फ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो श्रमिक जो वर्कर्स है जो फूल बरसाकर जिसने राम मंदिर का निर्माण का काम किया उनको सम्मानित कर रहा, फूल बरसाकर उनके ऊपर। नाउ वी सॉ द सेम ट्रेंड, मोदी साहब ने कुछ साल पहले कंजर्वेंसी वर्कर्स के पैर अपने हाथों से साबुन पानी से धो के साफ करा था और पूरे दुनिया को एक मिसाल दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री हूं मैं गरीब से गरीब तबके के लोगों को साथ में रखकर उनके दुख में दर्द में साथ में। नाउ दिस आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स व्हाट अ प्राइम मिनिस्टर कैन डू एंड आई हैव नेवर सीन। हाउ डू यू सी दिस इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार से काम कर रहे हैं? गांधी साहब देखिए, नरेंद्र मोदी साहब की जो विनम्रता है, उनकी जो सुचिता है और उनको जो लोगों के लिए जो कार्य करने की जो हित की जो श्रेष्ठ भावना है वो अवर्णनीय है। आज नरेंद्र मोदी जी ने कल जिस तरह से पुष्प वर्षा से श्रमिकों का सम्मान किया, उनको प्रणाम किया, ये दम्भ नहीं है, ये नाटक नहीं है, ये वो दिल से करते हैं। मैंने गुजरात में भी इलेक्शन के दरमियान में मैंने देखा है कि इलेक्शन के प्रचार के बाद में जब सब जीत हुई वो हुई तब वहां नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं को मिलकर हिस्सर के अपने दोनों कर कमलों से प्रणाम करके उनके पैर तक बैंड होकर के प्रणाम करके उनका धन्यवाद करते थे। और कितने जो लोगों ने श्रम किया था उनका सम्मान करते हैं। द्वारका में भी द्वारका का जो ये पूरा कार्य हुआ उस वक्त भी नरेंद्र मोदी जी ने वहां के श्रमिकों का इसी तरह सम्मान किया था। नरेंद्र मोदी की ये विनम्रता अलग है। और दूसरी बात कि हम हिंदुस्तान के बड़े बड़े संत हैं, रामदेव बाबा है, रविशंकर जी है, श्री श्री रविशंकर जी है और कई बड़े बड़े संत है, मुरारी बापू है, ये सभी संत को भी कितनी गदगद भावना होती थी उस वक्त कि वो नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करने के लिए आगे आ रहे थे, आशीर्वाद देने के लिए आगे आ रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो संतों का सपना था, नंद संतों के जो सदविचार थे उनको आचरण में रखा और राम मंदिर का ये नव निर्माण किया, ये जबरदस्त घटना है, उसको तो हमें प्रणाम करना चाहिए। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम हुआ है। थैंक यू सो मच सर, मुकेश गांधी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। अपॉलोजीज फ्रॉम मी सर, सबसे पहले कल देखिए, कल गजाली रेस्टोरेंट में जिस तरह से सारे वेटरों को पूरा राम का ड्रेस पहनाया था, कुर्ता पायजामा ये वो टोपी जय श्री राम करके सबके ललाट के ऊपर जय श्री राम लिखा था और जो वेज फूड सर्व किया, मैंने कहा कि गजाली ने मधु शेट्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया। हमारे प्रेरक गुरु जो श्रीकांत जोशी जी है उनकी प्रेरणा से बहुत अच्छा हुआ। और कल मुझे टोटल रिपोर्ट मिला 70-80 रेस्टोरेंट लोगों ने कल नॉनवेज फूड नहीं सर्व किया है और वेज फूड सर्व किया है। क्या बात है सर। और मैं आज अंत में एक ही बात कहूंगा कि अभी राम की ध्वजा लहरा गई। आप मुंबई में आप घूमते होंगे तो आपको पता होगा कि सब स्कूटर के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, बिल्डिंगों के ऊपर राम की ध्वजा लहराती है। तब मुझे एक ही काव्य पंक्ति याद आती है कि एक ध्वजा के नीचे आकर जनगण मंगल गान जगा है, आज एकता की देवी के अधरों पर वरदान जगा है। क्या बात, आज एकता की देवी के वरदों पर वरदान जगा है। जय श्री राम। आज एकता की देवी के अधरों पर वरदान जगा है। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। अच्छा राजीव जी, एक 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 मुद्दा रह गया।
एक राहुल गांधी का मुद्दा रह गया। राहुल गांधी आज मंदिर में जब गए थे कल 22 तारीख को आसाम के जी अलाव जी, जी, तो उसमें उनको एंट्री नहीं मिली, इसका बड़ा न्यूज किया गया है। पर वास्तव में क्या था कि जो विष्णु मंदिर होते हैं उनका टाइमिंग होता है, जैसे राम मंदिर का भी दर्शन का टाइमिंग है, तो राम मंदिर के टाइमिंग के बाद में माने विष्णु मंदिर में वो 3 बजे वहां पहुंचे जब उनका कपाट बंद हो जाता है, और तब वो जानबूझ के वहां गए और उनको मंदिर ओपन नहीं कर सकते क्योंकि भगवान शयन करते हैं भोग धराने के बाद में, और राहुल गांधी ने उसका बड़ा नाटक बना दिया कि मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। ये सर, मैंने उल्टा सुना सर, मैंने बिल्कुल उल्टा सुना। हाँ, जो हम लोगों को खबर आई है वो ये है कि उनको आमंत्रित किया गया था कि आप मंदिर में आइए, लेकिन 3 बजे पहुंची। हाँ, क्योंकि हम लोगों को प्राण प्रतिष्ठा पूजा का सीधा प्रसारण देखना है, लेकिन राहुल गांधी जी अपने सभी समर्थकों के साथ 11 बजे पहुंच गए सुबह, इसलिए उनको कहा गया कि भाई साहब वापस आइए, आप देखिए ना आपके आमंत्रण पत्र पे क्या लिखा हुआ है, आपको 3 बजे आना है। तो इसकी वजह से वहां पर एक जान करके, मुझे तो ऐसा लगता है जान करके एक इंसिडेंट क्रिएट किया गया। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, चलो ये अच्छा क्लेरिफाइड हो गया, अच्छा क्लेरिफाइड हो गया। द टेंपल कमिटी हैड इनवाइटेड मिस्टर राहुल गांधी टू विजिट एट 3 o'clock because they wanted to watch the live telecast of the Pran Pratishtha Puja from Ayodhya. And they said ke sir, abhi mandir mein bahut zyada bheed hai, aap please andar nahi aa sakte. So, very frankly, if I had been an advisor of Rahul Gandhi, I would have said you do the same thing in Ayodhya. Wahan par uska impact zyada hota. अगर वो अपने सभी समर्थकों के साथ, 1000 लोगों के साथ वहां पहुंच जाते तो शायद कांग्रेस को ज्यादा पब्लिसिटी मिलती, मुझको ऐसा लगता है। बट हु लिसन्स टू मी एनी विनाश काले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए सर, थैंक यू सो मच मुकेश गांधी साहब, ग्रेट प्लेजर नमस्कार एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय राम, जय शिवाजी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।